Amar wants to go on a camping trip with exactly five of his friends. He has to select five friends who will accompany him out of eight friends. A से लेकर एच तक हैं. ए बी एफ जी आर गर्ल्स. तो गर्ल्स में कौन कौन है? ए बी एफ एंड जी. एंड बॉयज में कौन कौन है? बचे हुए बॉयज होंगे सी डी ई एच. फर्दर ओनली सी एंड सी ई एंड एफ नो हाउ टू पिच अ टेंट. तो मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि सी ई एफ में से एक को ले जाना तो कंपलसरी है कि नहीं? व्हेन सेलेक्टिंग द फाइव फ्रेंड्स अमर वांट्स टू सेलेक्ट एटलीस्ट टू फ्रेंड्स हु नो. अच्छा आगे दे रखा है एटलीस्ट टू फ्रेंड्स, इनमें से एटलीस्ट दो को लेना है. और कुछ कंडीशंस दे दी. कंडीशंस क्या क्या दे दी? ए इज सेलेक्टेड, ई कैन नॉट बी सेलेक्टेड. तो ए और ई साथ में नहीं आ सकते हैं. इफ बी इज सेलेक्टेड देन सी एंड डी मस्ट बी सेलेक्टेड. यहां पे समझना, सी और डी आए तो बी का आना जरूरी नहीं है, हाँ पर बी आता है तो सी डी का आना जरूरी है. दिस फर्स्ट कंडीशन, दिस सेकेंड. थर्ड कंडीशन, जी कैन नॉट बी सेलेक्टेड अनलेस एफ इज सेलेक्टेड. जी एफ के बिना नहीं आ सकता है. जी ओनली इफ एफ एफ आएगा तो ही जी आएगा. और एफ आता है इसका मतलब ये नहीं कि जी आएगा, पर जी आया तो श्योरिटी कि एफ भी आया था. सी कैन बी सेलेक्टेड इफ एंड ओनली इफ जी इज सेलेक्टेड. सी Only if G. And last, H cannot be selected unless both B and F are selected. H only if B and H are selected. ये कंडीशंस है एफ पहला क्वेश्चन, ठीक है ना? सही है. पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. What is the maximum number of girls that Amar can select? मैक्सिमम कितनी गर्ल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं हम? अच्छा सही. इधर लास्ट पॉइंट में एफ कर दीजिए लास्ट में. एच कर दिया क्या मैंने? सॉरी. ठीक है, अब बोल रहे हैं मैक्सिमम कितनी गर्ल्स जा सकती हैं. मैं तो चारों को लेके जाऊंगा. ए बी एफ. जब ये मैक्सिमम की बात कर रहा है चारों को ही लेके जाएंगे ना यार. पर दिक्कत क्या है, सीईएफ में से दो को लेना था. सर आपने ये हाँ टेंट वाली चीज नहीं करी है क्या कि है ना अमर करूंगा को ना बेटा, एटलीस्ट दो अब फ्रेंड्स. करूंगा हाँ ना. ये भी कंडीशन में लिखा हुआ है ना, सिक्स लेवल्स को अब करूंगा. इसको काम में तो लेंगे ही लेंगे, ठीक हाँ जी सर. है? तो अब मैं तो चारों गर्ल्स को लेके जाऊंगा, ए बी एफ जी. अब क्या दिक्कत है? सबसे पहले दिक्कत देख लो, ए ई के साथ नहीं जाएगा. देखना, सी सी ई एफ में से दो को लेना जरूरी था. तो अब ए यदि आप लेते हो तो आप ई को नहीं ले पाओगे. हाँ तो चलो ठीक है, एक बार रुकता हूं मैं कि ए को भी लेना जरूरी हो रहा है या नहीं. बी होंगे तो सी और डी मस्ट है. चलो ठीक है, तो एक बार के लिए मैं चारों को रख रहे हैं. तो मैं ई को नहीं ले रहा तो सी को लेना पड़ेगा, क्योंकि टेंट पिच करना नहीं आता है और किसी को इन दो के अलावा. बी आया है तो सी और डी आएंगे ही आएंगे. अगेन आ गए. जी ओनली इफ एफ. हाँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है. एफ आया तो जी आया, कोई दिक्कत नहीं है. सी ओनली इफ जी. हाँ तो जी के साथ सी है. एच ओनली इफ बी और एफ दोनों आएंगे तो ही एच आएगा. एच कैन नॉट बी सेलेक्टेड अनलेस बोथ बी एंड एफ आर सेलेक्टेड. तो बी एफ है तो एच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. एनीवे मुझे तो गर्ल्स देखनी थी कि गर्ल्स कितनी ले सकता हूं. ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कंडीशन गलत हुई है कि एक बार दोबारा चेक कर लो. आई थिंक आंसर थ्री दे रखा है, मेरे को चारों गर्ल्स आ पा रही है. सर सिक्स लोग नहीं बिठा सकते हैं, 5 लोग को ही बिठाना है. फर्स्ट ये कहाँ है? अच्छा, ही हैज टू सेलेक्ट लाइन फाइव तो फ्रेंड्स. अपन ओहो बी एफ जी ठीक सी है. डी ले लेंगे, ए देखो, लेंगे ए यदि लेंगे. आप तीन गर्ल्स ले रहे हो और उन तीन गर्ल्स में
अब देखो फिर एक काम करो, मतलब चारों गर्ल्स तो नहीं ले पा रहे आप, ये तो समझ गए, चारों तो नहीं ले हाँ पा रहे क्योंकि चार गर्ल लेते हैं तो जी आ रहा है, बी आ रहा है, और बी के साथ छह सी डी लोग को हो रहे दोनों हैं को मतलब। लेना जरूरी हाँ है। अब मैं क्या करूं, तो देखो इसका बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ इस तरह के क्वेश्चन करने का, चार गर्ल्स में से तीन को लेना है, तो तीन कौन, BFG। इसका मतलब ये हुआ एक को निकालना है, तो ए को निकाल दो या फिर बी को निकाल दो बी को निकाल देंगे तो या सर फिर फिर सी डी निकल एफ को जाएंगे। निकाल दो या फिर जी को निकाल दो, तो ये केसेस हो सकते हैं। अब जल्दी से आ जाओ केसेस पे वापस से, ए के साथ ई नहीं आ सकता है, कोई बात नहीं, सी को जी, अच्छा बी तभी आएगा जब सी और डी दोनों आएंगे, तो सी डी को लेना पड़ेगा। ये केस में कोई भी कंडीशन कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है क्या आपकी, नहीं तो इसका मतलब तीन गर्ल्स में मैक्सिमम ले सकता हूं, चार तो नहीं ले सकता था, आंसर इज थ्री, क्लियर हाँ है। यस यस सर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये ग्रुपिंग एंड कंडीशनैलिटी टॉपिक होता है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ खास नहीं होता, केवल कंडीशंस का ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यदि अपन इसका, हाउ मेनी ऑफ एट फ्रेंड्स विल डेफिनेटली बी सिलेक्टेड, आठ में से कितने को तो डेफिनेटली सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। अब यार ये क्या बात हो गई, डेफिनेटली सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये कैसे देखें, तो देखो मैं समझाता हूँ कैसे देखें इस चीज को। अब मैं सिंपल तरीका समझाता हूँ, डेफिनेटली लेने कौन कौन जाएंगे, तो अपन को पता है सीई, अरे सीई या फिर सी एफ या फिर ई एफ, ये तो कोई दो तो जाने ही पड़ेंगे भैया, टेंटी लगाना नहीं आएगा तो क्या करेंगे, नहीं तो अब यदि सी जाते हैं तो सी ही की कंडीशन देख लो, ई गया है तो ए नहीं जाएगा, और पांच को लेके जाना था ना, हाँ ए नहीं जाएगा, तो गर्ल्स में मैं बीसीजी को ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ और बी को तो लेना ही पड़ेगा, बी और डी को। बी को क्यों लेना पड़ेगा। अच्छा सी अब गए तो हाँ बी के एक बिना काम सी करते हैं ना, और भी आएगा इजी करते हैं इसको, सी की कंडीशन पे आ जाओ, सी ओनली इफ जी, इसको मतलब जी का लेना जरूरी है, ही। जी हाँ ओनली इफ एफ, तो जी एफ के बिना आएगा नहीं, तो इसका मतलब ये तो केस ही नहीं हो सकता। अच्छा सॉरी, तो अपन एटलीस्ट बी और डी भी तो देख ले ली, सकते हैं ना। एटलीस्ट टू फ्रेंड बोला है बेटा, एटलीस्ट टू का मतलब तीनों को भी ले सकता है। अब हाँ यदि सी ले रहा है तो जी को लेना जरूरी है, ये रहा सी ओनली इफ जी, तो मैंने जी को ले लिया, अब जी ओनली इफ एफ, तो आपको एफ को भी लेना पड़ेगा, है कि नहीं। और सी तो बी और डी के बिना नहीं आएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि सब बी इज सिलेक्टेड, बोथ सी एंड डी मस्ट बी सिलेक्टेड। बी आएगा तो सी डी लेना जरूरी है, सी डी आएंगे तो बी का कोई लेना देना नहीं है अच्छा सॉरी ओके हाँ ना। अब और क्या लेना बचा है इसमें, पांच जने करने थे ना अपन को, तो चार जने हाँ हो सर गए हैं इको कैसे पक्का करें। बेटा, वो इस कंडीशन के थ्रू कि तीन में से इन तीनों को टेंट लगाना आता है, तो इन तीनों में से कम दो को तो वो लेके जाएगा, तो ओके सर ठीक मैंने सी ले लिया, सी एफ ले लिया और ई एफ ले लिया, इस तरह से करके देखा, ठीक है ना। है सर, हाँ तो अब बोलो बच्चों, डीवी ले लेते हैं। अब एक बार मेरे को ये बात बताओ, ये चारों जाएंगे तो कोई कंडीशन गलत हो रही है क्या, नहीं और उसको तो सिलेक्ट पांच करने थे ना, क्वेश्चन में पांच दे रखा, हाउ मेनी ऑफ एट फ्रेंड विल डेफिनेटली बी सिलेक्टेड। मतलब कि इनमें अच्छा से ठीक हाँ है कौन ठीक से है, 100% अब ये आएंगे। सी एफ जी ले लिए, बाकी बचे हैं, चलो अगले केस पे आ जाओ, सी एफ लिया है, सी ओनली इफ जी तो जी को लेना पड़ेगा, जी ओनली इफ एफ तो एफ को लेना पड़ेगा, है कि नहीं, और कोई चलो कंडीशन अपन बची इसमें। ऐसे क्यों नहीं कर रहे, मतलब कि अपन को ए बी सी डी ई एफ जी एच लिखा हुआ है, तो जैसे अपन ने पहला केस बनाया था तो अब ऐसे बी एफ जी सी डी एक एक केस बनेगा, तो अब ऐसे पांच छह केसेस बनेंगे जिसमें चार लोग कॉमन होंगे कि उनके बिना तो ग्रुप बन ही नहीं रहा। तो हाँ वही तो कर रहे हैं, तो बेटा कहीं ना कहीं से कंडीशन उठानी पड़ेगी ना, तो हाँ अपन ने इस कंडीशन से उठा लिया, इस कंडीशन से उठा लिया ना। अब देखो इसमें सी एफ लिया तो जी लेना जरूरी आ रहा है ना, हाँ अब इसमें ई की भी जरूरत है क्या, वो देख लो, केवल जी ओनली इफ एफ था, सी ओनली इफ जी नहीं ई था, की कोई कंडीशन नहीं है, ए चाहिए ई की वो ए कोई नहीं होना कंडीशन नहीं चाहिए। है ना, ठीक है, और जब आगे तो ई इनको एफ सिलेक्ट लेते कर हैं, लेते हैं ना, ए को सिलेक्ट कर लेते हैं इस वाले में। हाँ किसी को भी कर सकते हैं, वो तो अभी बचे हुए ऑप्शन तो मैंने खुले रखे हैं, किसी को भी कर सकते हैं, और आगे वाला चलो,
आगे वाले में क्या है? आगे वाले में एफ वाला नहीं, जी को तो लेना ही रहेगा। ई आया है, एफ आया है। ई एफ के साथ क्या कंडीशन है? कुछ भी कंडीशन है ई एफ के साथ? नहीं, नहीं है एफ ना? के साथ है जी ओनली एफ एफ बट बस। नहीं। हाँ तो ये है, तो नहीं ये हाँ बैठ रहा है, ये बैठ रहा है। पर अब इसमें अपन क्या आंसर दे दें? थ्री आंसर दे दें, टू आंसर दे No. दें? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? अरे भैया टीम तो कंप्लीट करो हाँ भाई, आपने तो ये बिठा दिए तो ये तो बैठ रहे हैं, पर टीम तो कंप्लीट करो। टीम कैसे कंप्लीट करेंगे? पांच जने सेलेक्ट करने हैं अपन को, इसमें पांचवा कौन हो सकता है? सी ई एफ जी के साथ पांचवा कौन हो सकता है? जल्दी बोलने का। ए हो सकता है? नहीं, ये नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ए ई के साथ मना आया किया है। हुआ बी है। हो हाँ सकता है क्या? बी हुआ तो डी को भी आना पड़ेगा, तो छह हो नहीं, क्योंकि जाएंगे। पांच की टीम है, चार हो गए, एक ही चाहिए। बी आएगा तो डी को भी आना पड़ेगा। हाँ सी हो चुका है, डी को ले लूं क्या? क्यों नहीं 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 हाँ ले सकते हैं, ले सकते हैं, ले डी को सकते तो कर हैं? तो सकते एक हैं। टीम मेरी हो सकती है सी ई, यदि ऑर्डर में ही लिख दूं तो हाँ सी डी ई एफ जी। ई को एफ को ले जाऊंगा, जी को एच को ले सकता हूं क्या? नहीं, नहीं, बी नहीं, एन क्योंकि बी एफ नहीं एफ है। चाहिए, बी तो यदि चाहिए अपने मेरी को टीम उसके बनती लिए। है तो क्या बनेगी बच्चों? सी डी ई एफ जी। समझ में आ गया? जी बताता हूं, हाँ पहला केस खत्म किया अपन ने। दूसरा केस, यदि आप सी एफ जी को ले रहे हो, अब आपको दो सेलेक्ट करने हैं तो बच्चों। सी एफ जी ले रहे हो आप, ये लो यहां लिखता हूं मैं। बी डी ले सकते हैं। ये देखो ढंग से समझना, सी को लिया है, एफ को लिया है, जी को लिया है, अगले दो कौन ले सकते हो बी बताओ? डी ई को लेना ऑर्डर से पड़ेगा। चलो ना, बचे कौन कौन है? ए बी सी डी डी ई ई एफ जी एच, ये बचे। हाँ मैं बी डी तो ले लो, ए बी बी को लूंगा यार बच्चों, मेरे को तो डी ए ले बी को लेते लेना है। ए बी को ले लेने दो हैं। प्लीज। नहीं नहीं बी नहीं ले सकते क्यों फिर, सी नहीं? क्योंकि डी डी बी की भी अपना कंडीशन नहीं है ले सी डी, सकते। हाँ नहीं ले सकता। मत लेने दो, ए बी को नहीं लेने दे रहे तुम, ए डी को लूंगा मैं तो। ये तो लेने दो। लो ए डी में कोई दिक्कत नहीं है क्या? नहीं कोई भी कंडीशन गलत हुई क्या? तो मेरी जो टीम बन नहीं जाएगी हाँ सी डी एफ जी और एच की, नहीं एक कौन है? सी डी एफ ए ए ए, ए की बनी है। सही बात है। मैं एक ई लूंगा यार, ई को लेने दो बच्चों, ई को लेने दो। तो नहीं ए और ए नहीं साथ में नहीं ई और आ एच को साथ में सकते। नहीं ले हाँ सकते हैं बच्चों। एच को लेने दो प्लीज। नहीं, क्योंकि बी एच एफ चाहिए, एच बी दोनों चाहिए। मेरी यही बनी जब मैंने ए को लिया था, और आपने हाँ। देखा मैं तरीके से चल रहा हूं, मैंने कोई भी केस मिस नहीं किया है। यस ए से सर। सारे केस कवर कर लिए, अब मैं बी से केस देखूंगा सारे। बच्चों बी डी को ले लूं क्या? बी डी को प्लीज हाँ 100% ले सकते हैं सर। ले सकते हैं बी डी को। कैसे? हाँ बी ए तो सी डी मस्ट है, और सी डी है, बी बी चलो है, ठीक है, मान लेता हूं। तो आपने क्या क्या लिया? आपने लिया सी डी बी बी सी डी। हाँ एफ जी। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो बी हाँ ई को ले लेने दो बच्चों, बी ई को। हाँ सर ले बी सकते हैं। के नहीं ले सकते, बी के लिए सी डी मस्त था, अच्छा एफ और बी बी एच सी ए को बी। नहीं ले सकते क्योंकि सी डी मस्त था। बी के सारे केसेस हटा दिए, अब हाँ बच्चों डी ई को ले लेने दो। ये जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर से चल रहे हैं, एक भी केस मिस नहीं होना चाहिए। डी ई को ले लूँ क्या? पक्का? हाँ ले सकते हैं। तो सी डी एफ जी और ई आया है, हाँ और डी एच को ले लूँ क्या? नहीं, एच के लिए तो बी एफ नहीं, जरूरी एच है, नहीं है। ओनली एफ बी एफ। लास्ट हाँ कंडीशन ई एच, ई एच को ले लूँ क्या? खत्म। नहीं, एच ओनली एफ बी एफ, तो ये सारे ले सकता हूं मैं। तो सी आपके डी एफ जी क्वेश्चन का कॉमन आंसर आ आ गया। गया है। आपने हाँ बोला था कि कम से कम कोई चार में, कितने चार आंसर है, कितने में हमारे जो जरूरी है चार लेना, सी डी एफ एफ जी। जी। आप समझ गए बच्चों इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं? हाँ यस सर। आगे करवाना है, सेट नो सर। समझ में आ गया ना कैसे? ग्रुपिंग कंडीशनैलिटी इजी होता है। करना क्या है, दोबारा सुनो, ये कंडीशन तरीके से लिखो, और जो सॉल्व करने का तरीका है वो अच्छा रखना है इसमें। बस जैसे अभी अपने सारे केस कवर कर दिए जल्दी से, वो तरीका अच्छा रखना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? यस सर।